गुगु जा रहा है आज, गुगु 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 जा रहा है घर, और ये लोग जा रहे वापिस। और ये देखो अमरूद तोड़ने में लगी दोनों, ये देखो ये देख ये जा रहा है भाई। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है इस सड़ी गर्मी से हिमाचल की तरफ प्रस्थान करते हुए, है ना? हाँ, वो तो मतलब प्रस्थान हो गया, पता चल गाड़ी देख के पता चल रहा है भी आप कहाँ गए हुए थे। ये देखो, हाँ ये देखो, ये जो है 5-6 दिन से पंजाब में थे भाई साहब ड्यूटी पे। आ देखो जी गाड़ी का हाल, ये हाल है क्योंकि वहाँ पे पानी 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 बारिश है। और यूवी हमारा जो है, यूवी हमारा कुछ नहीं है जाने को, यूवी दुखी है, यूवी नहीं जाना ना, यूवी नहीं जाना ना, यूवी दुखी हो रहा है, यूवी आज दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, मेरा गुगड़ू दुखी हो रहा है, मेरा गुगड़ू दुखी हो रहा है, हंस नहीं रहा है आज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हंस रहा है आज, बिल्कुल नहीं हंस रहा है। ये देखो इनको चैन नहीं पड़े। कैसा लग रहा जी आपको इस भरी गर्मी से जाके, कैसा लग रहा है? आ जाओ दोनों अमरूद, ये देखो ये अमरूद तोड़ रही है दोनों, अमरूद ले जा रही है, अमरूद कीड़ा पड़ रहा अमरूद में भाई, चल नहीं रहा अमरूद। अब देख इसको, नानू जा रहा, पर नानू की तरह खुश है, ओए एक्साइटेड बंदे, इधर देख देखना गुगु। गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको, और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहां भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो आज है सोमवार, सावन का तीसरा सोमवार, तो भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। तीसरे सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान शिव जो है वो सबको सलामत रखे। और हाँ, सलामत का ये है भी सबको, मतलब अपने घरों में रहो क्योंकि बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है, बारिश ने ना पानी ने तबाही मचा रखी है। तो सब अपने घरों में सुरक्षित रहो, बाहर तभी निकलो अगर कोई जरूरी है, नहीं तो अपने घर में रहो, कुछ नहीं है कोविड में भी 2 साल अंदर रहे हो ना, अब भी अंदर रह लो कुछ दिन। तो होगी सुबह की शुरुआत, और आज है व्रत मेरा, रिबू का और गुनगुन का, हम तीनों का व्रत है। तो व्रत में पूजा पाठ करेगी, रेचल का कॉलेज है आज से, रेचल कॉलेज जाने लगी है, जाएगी आज। तो चलो करते हैं, दिखाती हूँ आपको आगे। A few moments later, रेचल अपने तैयार हो रही है, हो चुकी है, मतलब लगभग हो चुकी है, ठीक है। रेचल का भी व्रत है आज, तो व्रत में ये देखो ये बनाया हमने, बनाई है साबुदाने की खीर, साबुदाना नहीं क्या बोलते हैं उसको भाई, अरे कहना क्या चाहते हो, सौंफ के चावल की खीर, मैं उल्टा ही क्यों बोलती हूँ हमेशा। हाँ ये सौंफ के चावलों की खीर, और ये दूध उबाल दिया है मैंने, ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा, अपने आप में फ्रूट काट रही थी, ये देखो इस तरह से फ्रूट काट दी, इन दोनों को दे दूंगी। और अब पूजा पाठ करेगी रेचल गुलाटी, तो चलो लेट हो रहा है, रेचल को दे देती हूँ। ये देखो जी भोले बाबा के भोग की थाली, रूखा सूखा बाबा जी को भोग लगा दिया है, ये देखो जी रिबू को चूड़े का जो किधर थे, सवा साल तो क्या, 1.5 साल से ऊपर हो चुका है ना, और इसका चूड़ा बदल दिया आज, और ये बना दी चूड़िया, दिखाई कितनी प्यारी लग रही है, आराम से अस्त अस्त होकर चढ़ा। आई देखो मेरा हाथ काटे बच्चे, कोई बात नहीं कोई बात, दो दो कर दो, दो चढ़ाओ, दो क्रीम दो, तो अल्लाह ना चढ़ाती, अरे छोड़ दे ऐसे छोड़। और ये कौन है, नंदी, ये छोटी नंदे, तू ना मेरे बस में है ना, वो जो है पता नहीं भाई हमें ज्यादा तो वो तो आते नहीं रीति रिवाज पर, चलो भगवान के आगे चढ़ा के उनसे जो है वो उपहार स्वरूप लेकर वो चढ़ा रही है बैंगल्स, ये भी एक रीत होती है। जब तक यूवी रहा ना इतनी गर्मी थी, एक दिन भी बारिश नहीं पूरा वीक, और आज वो लोग गए हैं तो नेक्स्ट डे देखो बारिश, इतनी गंदी बारिश हुई ना, इतनी गंदी बारिश हुई रात को,
और बिजली कड़क रही थी, मतलब ऐसा लगता जैसे बादल फट गया इतना ज्यादा। और 6-7 दिन जब यूवी रहा ना, यूवी बेचारा इतना परेशान रहा गर्मी में, वैसे तो मस्त रहता था, लेकिन ये देखो आज भगवान जी 4-5 दिन पहले ही बरस जाते, या बीच में कभी बरस लेते पूरे हफ्ते में हमारे यूवी को ना, पूरी गर्मी में ना, पूरी गर्मी में। एक दिन तो सच में यूवी वैसे इरिटेट नहीं पड़ता बिल्कुल भी, एक दिन यूवी बहुत इरिटेट हो गया गर्मी की वजह से। ये हमारे घर में अमरूद का पेड़ है, मतलब इतने अमरूद लगे पड़े ना, और अमरूदों को देख के ना मतलब तरस आ रहा था, क्यों हमारा अभी जितने भी पके पड़े हैं ना उनमें सब में कीड़ा पड़ा हुआ है। हर बरसात में ना पूरी मतलब ये देखो ढेर लगे हैं। हाँ कच्चे कच्चे अगर आप खा लो ना तो ठीक है, और ये मेरी खिड़की में से बिल्कुल मैं हाथ बढ़ा के